क्या कारण था? उसमें कुछ बीमारी था या और कुछ? गिर गई थी यहाँ, उसके बाद करीब रात 2 बजे ब्लड शुरू हो गया। सुबह हुआ हमको जानकारी हुई, उसके बाद फिर पर्सनल देहात का डॉक्टर से हम इलाज कराए। उसके बाद फिर भी वो नहीं रुका, तो फिर हम ले गए अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड करके वो अल्ट्रासाउंड में बता रहा है कि वो बच्चादानी जो है उसमें अंगूर का छोड़ा जैसे होता है उस टाइप का हो गया है, तो उसको वॉश करना है। सरकारी अस्पताल नहीं गए थे आप क्या? गए थे हम, गए थे, बात किए थे, बात तो की। क्या वहाँ सुविधा मिली कुछ? वहाँ सुविधा तो अभी तक हमको कुछ नहीं मिली है। अच्छा, आपके ये गांव से अस्पताल कितने दूर है? करीब 10 किलोमीटर दूर है, 10 से अधिक है। कौन सा साधन मिला था आपको जाने का? जाने का साधन ठेला वगैरह से गए थे। आप ये चारों बच्चे को कैसे पाल रहे हैं? चारों बच्चों को अभी जो है हमारा पालना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए कि चार बच्चों को अगर हम देखेंगे तो हमारा ऊपर जो 40,000 रुपया कर्जा हो चुका है, तो वो 40,000 रुपया हम कैसे हम कमाएंगे? और अगर हम कमाने जाएंगे तो चार बच्चों को देखभाल करने के वाला कोई है नहीं। आपके साथ क्या हुआ बताइए? मैं 3 महीना का गर्भवती थी, उसके बाद हल्का हल्का ब्लैड जा रही थी। सदर जाके पहुँचे तो सदर हॉस्पिटल में बोली दे बोली यहाँ उनका इलाज नहीं है, तो हम चले गए प्राइवेट में। डॉक्टर लोग रिपोर्ट देख के बोली दे बोले हल्का हल्का सब हम बोले दे हमको बच्चा रखना है, हम बच्चा को सुधारिए, ये पानी उन्हें चला कर वो लगेगा तो हम पानी उन्हें चला करके हम बच्चा को रखेंगे। डॉक्टर बोले दे बोले आपका बच्चा बोले डेड कर चुकी है, उसको वॉश करना होगा या दवाई खा के साफ करना होगा। तो दवाई दी और खा करके नहीं साफ हुई तो हम वॉश भी किए। आपको सरकारी अस्पताल में कोई भी यानी लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं लाभ, प्राइवेट जाना पड़ा। हाँ, प्राइवेट जाके हम इलाज पानी किए, रुपया भी लगा 7,000। कहाँ से लाए आप? लाए हम, मेरे थोड़ा सा ज़मीन था, उसको हम सुधरना बेच दिए, उसके बाद हम इलाज किए। वो भी नहीं है, हम तो अभी मेरे पति है नहीं घर में, वो चल गया है बाहर से आएगी, 200 रुपया कमाती है, उसमें खाएंगे इलाज पानी करेंगे क्या करेंगे। चाहे सदर में आपका लंगड़ा हो गया, चाहे कोई गुंगा हो गया, उसको ले आओ।
लेकिन हर चीज के लिए हम लोग 2 रुपये का पर्ची कटाएंगे, फिर 100 का कटार लगा है, 100 में अगर इधर मेरा बच्चा खत्म हो जाता है, इससे यहाँ का पब्लिक कहता है जो हम लोग सरकारी में नहीं जाके अपना प्राइवेट में जाएंगे, वहाँ कौन जाएगा 10 घंटा खड़ा होने। एम्बुलेंस है, नंबर दीजिए, उसका नंबर दीजिए, वहाँ बात कीजिए, 102 में 108 में करते तब तो डिलीवरी वाला मर जाएगा। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और इस तरह की समस्या से हर महिला को जूझना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मशहूर खातून का मृत्यु हो गए गर्भपात कराने में और सही तरीका से इलाज नहीं हो पाए, और इस तरह की घटना और भी महिला के साथ नहीं हो, इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकगण से अपील करती हूँ कि इस नंबर पर कॉल करके हमारी जल्द से जल्द मदद करें। मैं नविता, गांव फुलवाड़ी बसंत टोला, ब्लॉक किशनगंज, जिला किशनगंज, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।